आज हम अपनी पहली वीडियो लेके आए हैं जो है बैरसिया ट्रिप की। तो हमने बैरसिया की यात्रा जो है गंजवास्ता से स्टार्ट की और नए गोला होते हुए हम पिपलधार होते हुए महानीम चौराया होते हुए हम पहुँचे हैं बैरसिया। यहाँ पे ये पिपलधार का जो जिंद बाबा का स्थान है वो पड़ा था और बहुत ही मस्त लगा पूरे रास्ते में। यहाँ पे स्कूटी से यात्रा की, बहुत ही शानदार अनुभव रहा हमारा। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि और कौन कौन सी जगह हैं, वहाँ पे क्या क्या देखा हमने, उनकी क्या क्या खासियतें हैं, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेके आए हैं कि एक छत से हमने इस वीडियो को कवर किया है। छत से हमने देखा कि आसपास कैसे दिखते हैं मकान, कैसा दिखता है बैरसिया शहर। एक ऊंची छत से हमने इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए जगह जगह झंडे लगाए गए और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। फिर हम पहुँचे जैन मंदिर। बैरसिया के जैन मंदिर है, भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद हमने सोचा कि हम पहुंचते हैं यहाँ का फेमस जो है माड़ा इमली। माड़ा इमली पर हम पहुंचे तो यहाँ पे ये तालाब है जहाँ पर भुजरियाँ का मेला लगता है और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रहती है, लेकिन इस बार COVID-19 की वजह से मेला नहीं लग पाया। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे घूमने गए। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये माड़ा इमली है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सैकड़ों वर्षों पुराना है, सैकड़ों वर्षों से यहीं पे है और ये अभी तक ना तो बूढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है देखने में। आप इसको हम पास से दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए, देखने में लगता है कि पेड़ बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसकी डालियां दिख के बिल्कुल हरा भरा भर लगता है, जबकि तना दिख के पता चलता है कि ये वाकई में सैकड़ों वर्षों पुराना है। यहाँ पे लोग अलग अलग इस पे नाम लिख देते हैं तरह तरह से। इसको हम चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेड़ किस तरीके से दिखता है। चारों तरफ जो है इस पेड़ पर, हर डाली पर ऊपर से लेके नीचे तक हम देख दिखाते हैं, हर जगह नाम लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर खड़े होकर बैरसिया शहर को देखने पर एक अनुपम छटा मिलती है और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है जिसको देखकर वाकई में बहुत आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चलती है जिसको देखकर बहुत ही मतलब उत्साह आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, मन को आनंद मिलता है। यहाँ पे लोग आकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं, मैंने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई है। और इस पेड़ पर ऐसा कहा जाता है कि पहले कुर्सियाँ हुआ करती थी ऊपर जिस पर बैठ जाते थे लोग। इस पेड़ के बारे में और भी कई सारी कहावतें हैं। इस पेड़ को कुछ लोग कहते हैं कि इस कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, ये इतना पुराना है। इसके ऊपर जहाँ भी देखेंगे लोग अलग अलग तरह से जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं भारत में लगभग सब पे लोग ख़राब कर देते हैं, उनको नाम लिख लग कर। इस पेड़ पर भी ऊपर से लेकर नीचे तक जगह जगह नाम लिखे हुए हैं सब ने अपने अपने प्रेम का के और पता नहीं क्या क्या। मतलब तना देख के ही लगता है जैसे ये AG लिखा है, बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, बहुत ऊपर लिखा है। और लोग यहाँ पे आ करके बहुत सुखद आनंद महसूस करते हैं। इसके बाद हम गए महामाई मंदिर। महामाई मंदिर में माता जी के दर्शन किए और यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखा हमने चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं और यहाँ पे भीड़ रहती है। इसके बाद यहाँ पे दाल बाटियाँ लोग बनाते हैं, उसका उनका अलग ही अनुभव रहता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, गर्मियों में भी बहुत सुखद आनंद मिलता है यहाँ पे। हमने यहाँ किया बैरसिया की यात्रा की, एक छोटी सी यात्रा थी। आप भी आइए कभी और यात्रा कीजिए, बहुत ही आनंद मिलेगा।